वही लड़ाई जिन जेंटलमैन का नाम आपने लिया मैं उनको ज्यादा जानता नहीं हूँ, जिन जेंटलमैन का नाम आपने लिया मैं उनको ज्यादा जानता नहीं हूँ, उनके घर पे हो जाए तो पूरा मीडिया पब्लिश करेगा। पैसा कमाना और जीरो से जो हासिल करना है वो बहुत रिस्की हो गया है, और अगर कमा लिया तो चुप बैठे शो ऑफ ना करें, आपका भी ऐसा कुछ होना? इसमें दो तीन बातें हैं आपकी। एक, हाँ, शो ऑफ ना करें, साधारण जीवन जिए जितना हो सके, बहुत अच्छी बात है। हाँ, पर सक्सेस की अपनी एक कॉस्ट होती है। जब आप आगे बढ़ते हैं तो आप एक ईजी टारगेट जरूर बन जाते हैं, परंतु मुझे प्रधानमंत्री मोदी को देखते हुए या और अच्छे बड़े लीडर्स को देखते हुए ये समझ में आता है कि अपने आप को संकट प्रूफ मानना चाहिए, और ऐसा मानना चाहिए कि अगर सुबह सुबह उठ के कोई अगर संकट नहीं आया तो सोचना चाहिए कि भगवान लगता है आप हमारे को भूल गए हो, कि आज आपने कोई संकट नहीं दिया हमारे को, आप हमारे को भूल गए अपने विचारों से, क्योंकि इसका मतलब भगवान को लगता है कि अब ये संकट और हैंडल नहीं कर सकता। तो अपने आप को संकट प्रूफ बनाना है, अपने आप को ब्रेकडाउन से ब्रेक थ्रू पे लेके जाना है, क्राई करने की जगह ट्राई करना है, आपको हमेशा देखना है कि आप होपलेस एंड की जगह एंडलेस होप क्रिएट करें और लगातार बाउंस बैक करते रहें, वही हमारे को करना है। हाँ, ऑफ कोर्स जितना आप आगे बढ़ेंगे उतना आप इजी टारगेट बनते हैं। वही अगर लड़ाई आपके घर में हो जाए तो शायद पूरा मीडिया पब्लिश ना करे। वही लड़ाई जिन जेंटलमैन का नाम आपने लिया मैं उनको ज़्यादा जानता नहीं हूँ, उनके घर पर हो जाए तो पूरा मीडिया पब्लिश करेगा। तो इसीलिए थोड़ा एक सक्सेस की कॉस्ट तो होती है, वो कीमत होती है, पर अपना ध्यान जैसे कि पीछे जेंटलमैन ने बताया नरेश जी ने, कि आपको वैल्यू क्रिएट करने पर अपने फोकस पर रखना चाहिए। या तो जिंदगी में गोल होगा बड़ा या जिंदगी गोल गोल होगी, तो गोल पर ज़्यादा फोकस करें, नहीं तो अपने आप गोल गोल हो जाएगा।